स्पोर्ट्स बैठक में खुशामदीद। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बैठक के अंदर शामिल हो जाएं। भाई टुडे वाज इट्स ऑल अबाउट इंडिया भाई, उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियंस को जिस तरह लथाड़ा है, इंग्लैंड के तो न्यूमेरिकली भी कोई चांस नहीं बनते, हमारे तो चलो कम से कम न्यूमेरिकली चांस तो बनते हैं कि वर्ल्ड कप में हम आगे जा सकते हैं। इंग्लैंड बिल्कुल ही आउट क्लास हो गया और वो लोग जो ये समझ रहे थे कि भाई इंडिया का टॉप ऑर्डर जिस रोज फेल होगा ना, लोअर ऑर्डर बिल्कुल ही बढ़ जाएगा और इंडिया जो है ना तहस नहस हो जाएगा। वो कोई और लोग नहीं, आप ही थे वो। उन सब को इंडिया ने भरपूर जवाब दिया है। लोअर ऑर्डर उनका टेस्ट हुआ, रोहित शर्मा जो है इनिंग को कैरी करके लेकर गए और उन ट्रैक्स के ऊपर जिनके ऊपर 350 भी चेज हो जा रहे हैं और इंग्लैंड ने जो है उस पर 230 भी चेज नहीं किया। भाई अली भाई, पहली इनिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? यार पहली इनिंग की शुरुआत जो थी वो जिस तरह से गिल साहब बोल्ड हुए थे ना, तो मुझे लगा आज इंडिया चल नहीं पाएगा। जिस तरह से गिल बोल्ड हुआ था बिल्कुल अंदर आई और वो बॉल बहुत अच्छी थी। वोक्स मुझे वैसे भी बड़ा पसंद है, बहुत अच्छा बैट्समैन बॉलर दोनों है। उसके बाद विराट कोहली भी डक पे चले गए और मैंने कहा लो भाई ये तो वो 2019 का फ्लैशबैक आ रहा है मुझे, इंग्लैंड से सब कुछ जुबैर वैसे ही कह रहा था स्लो मोशन में आ जाएगा सब कुछ, दो दो रन को वो एक एक रन आधा रन ले रहे होंगे सारा कुछ। लेकिन फिर उसके बाद आप ये देखो टीम वर्क है कि उनके नीचे सूर्या ने और राहुल ने आके मैच को संभाला और ये इनके फौरन आते ही बेस्ट बॉल बन गए। सिचुएशन को देखा क्या यार अभी फंसे हैं, रुक के खेलेंगे, लेकिन वो बिल्कुल हमारी तरह भी वो नहीं हुए कि संभलते ही चले गए और सब संभल गए तो आउट हो गए। और अच्छे स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा खेले, बिल्कुल सही खेले रोहित शर्मा, ऊपर से खेल रहा था फिर उसका नीचे से दो तीन पार्टनरशिप लगी, 230 चले गए वो लोग किसी तरह भी जाकर। तो वो मतलब मुझे ये हो रहा था कि यार आप देखो, अब एक टाइम पे हमें बोला जा रहा था कि जब हमारे ये मेरे ख्याल में एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ हमने किया था अच्छा नसीम शाह और इन लोगों ने, तो उस वक्त हेडिंग आ रही थी कि बाबर आजम गोल्ड इन हिज हैंड। लेकिन अभी जो है ना मैं कहूँगा इंडिया के लिए कि उनके बॉलर हों बैट्समैन हों उनके पास गोल्ड है। आप ए टू जी जितने भी प्लेयर देख लो आपको कोई एक ऐसा नहीं लगेगा यार ये नल्ला प्लेयर है उनका। और अभी पांड्या बाहर है, आप ये देखो अभी वो पांड्या आएगा तो फिर पता नहीं कौन सा डांडिया बाहर जाएगा, वो समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आप कह रहे हैं ना कि हम लोगों को लग रहा था कि इंडिया जो है ना वो हार जाएगा वो पाकिस्तान को करने के लिए, इतना कुछ स्टेक पे था नहीं। पाकिस्तान जो है इनके जीत के बाद भी जो है ना, यानी अभी भी आप ये नहीं कह रहे कि यार इंडिया अच्छा खेला है, आप ये कह रहे हैं मेरी रूह आपकी रूह आपकी इधर ट्रांसफर हो गई। दूसरा ये दूसरा एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि वो पांड्या की जो आप बात कर रहे हैं, वीक लिंक जो है ना अभी इस वक्त सिर्फ सिराज नजर आ रहा है और सिराज पांड्या से रिप्लेस किया ना इंडिया के पास एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी आ जाएगा और उसी टाइप का बॉलर भी आ जाएगा, तो और डेप्थ आ जाएगी इनकी बैटिंग के अंदर। दोपहर क्या कहेंगे दूसरी के बारे में, कैसी लगी दूसरी इनिंग में? इंडिया ने आउट क्लास कर दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अपने वाले जो है इंडिया की शर्ट पहन के खेल ले। क्या बॉल सीम कर रहे थे, क्या बॉल स्पिन कर रहे थे, मतलब मुझे देखने में मजा आ रहा था यार। यानी जैसा हम अभी कुछ दिन पहले हम तीनों ही बैठे हुए थे, वो याद होगा आपको, हम बात कर रहे थे कि यार 240-250 रन बनते थे, उसके बाद जो टीमें जो उसको डिफेंड करने के लिए जाती थी और क्या बॉलिंग होती थी, मजा आता था। आज वही वाला मैच देखने को मिला मुझे। और सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी लगी यार वो शामी बुमराह की जो बॉलिंग थी यार, मैं तो फास्ट बॉलिंग का हमेशा से शैदाई रहा हूँ, तो मुझे तो आज बड़ा मजा आया भाई शुरू के जो है ना 10-12 ओवर देख के जो है ना। एक चीज और आप नोट करें कि मतलब जब इतना कम टोटल है 30-35 रन वैसे ही पड़ गए और विकेट नहीं गिरी है, कोई उन्होंने जो है ना लूज नहीं की कंसंट्रेशन अपनी जगह से, भाई शामी यार आप देखो शामी ने 5 ओवर 3 रन और 3 विकेट वो भी सिराज ने जो है वो चौका वौका छोड़ दिया था तो उसको बुमराह को रन पड़ गए थे। और आज बिल्कुल जो जो आप वीक पॉइंट की बात कर रहे हैं ना वो भी इतना ज्यादा वीक पॉइंट है, हमें लग रहा है सिराज यही कहने वाला था कि सिराज पिट रहा है 70 रन दे रहा है लेकिन दो तीन विकेट खा जाता है वो। आज शायद उसने नहीं ली विकेट, आज कोई विकेट नहीं, आज उसने 33 रन दिए 6 ओवर में और उसके बाद आज शर्मा उसको गालियां ही दे रहा था क्योंकि वो आज जहाँ जा रहा था उस गरीब का दिन खराब था, बॉल आ रही और वो चौका हो रहा या सिंगल हो रहा। वो चीज देखो ना यार उनमें आपको भूख दिख रही है जीत की, मतलब मैं देख रहा था 112-113 रन थे, 7 आउट हो चुके हैं। कुलदीप ओवर करने आया था जो उसने लिविंगस्टन को आउट किया, आउट करा उस टाइम पे कोहली शर्मा और कुलदीप तीनों खड़ो के डिस्कशन कर रहे थे, बात कर रहे कि पता नहीं जीतने में 10 रन रहेगा, हमारे वाले सिंगल लीग करने में लगे पड़े, उस वक्त भी डिस्कशन नहीं लग रही। आप मुझे बताओ आपको पूरे मैच में याद पड़ रहा है ऐसा हुआ कि शाहीन और ये रिजवानी लोग खड़े बात हो रही है, सिर्फ एक टाइम पे जब वो एंड में यार वो असल में जो उस वक्त सारे रोने बैठ गए, जो इनकी एजेंसी है ना, जो इनकी अभी जो अपने एक वीडियो बनाई है एजेंसी वाली, जो इनकी एजेंसी है ना को उसने जो स्क्रिप्ट दिया हुआ था ना उसमें ये नहीं था कि आप मीटिंग करें बीच में। चले
हम देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल कल कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं यार, मैं बस आपसे यही कह रहा था, आप कह रहे थे कि आज इंडिया इंडिया दिख रहा था। भाई इंडिया पहले गेम से दिख रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप में, और आखिर तक आपको दिखेगा। चलो देखते हैं कि क्या होता है भाई, कोई रोक पाता है इंडिया को कि नहीं। कल मैच है श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। अली भाई क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप? अफगानिस्तान का किससे? श्रीलंका से। श्रीलंका से यार, टफ फाइट होगी, आसान नहीं होगा। दोनों टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं। अगर यहाँ पे आप कहते हैं ना कि नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका, तो भी मैं कहता टफ फाइट है भाई। तो दोनों के मतलब मैं कह नहीं सकता, श्रीलंका का थोड़ा सा एज है कि उनके बॉलर्स वगैरह बैट्समैन उनके अच्छे हैं, वो चल रहे हैं मैच ही उसके आने से एक थोड़ा सा। और अफगानिस्तान हमेशा अपनी बैट्समैन बैटिंग पे मरता है, उनकी बॉलिंग तो चल जाती है, फील्डिंग चल जाती है, बैटिंग नहीं चल पाती। अगर अफगानिस्तान की बैटिंग चल गई श्रीलंका फंस जाएगा। जुबैर क्या कहेंगे? यार अली भाई अफगानिस्तान नो मोर मेनोज नाउ। नहीं भाई, बिल्कुल टक्कर का मुकाबला होगा कल। और कल जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड में जो है बड़ी मुश्किल से केजस्तान के श्रीलंका जीतेगा। 1% अगर आप बोलेंगे ऊपर तो वो श्रीलंका है, बस वो ही जीतेगा। देखो मैथ्यूज के आने से डगआउट में अगर वो खेले ना खेले, डगआउट में बैठा है तो बहुत इंपैक्ट पड़ता है। एक्सपीरियंस प्लेयर है, आपको बहुत सारी चीजें बता देता है। चले टुमारो इट्स गोइंग टू बी श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। और हम यही कहेंगे कि टीम्स तो दोनों जो है ना बहुत बराबरी का क्रिकेट खेली है, लेकिन श्रीलंका को एक्सपीरियंस की बेसिस पे थोड़ा सा एज हासिल है। हम आपसे मुलाकात करेंगे कल श्रीलंका और अफगानिस्तान के मैच के बाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।